दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फरहानाज भी उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक है जिनके दिल का शदाओं और एक्टिंग के दर्शक बहुत बड़े दीवाने हैं और इसी के चलते ये अभिनेत्री एक सुपरहिट अभिनेत्री साबित हो चुकी है, जिसके चलते आज इनकी हर एक फिल्मों को दर्शक बड़े ही चाव से देखना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जहां लाखों करोड़ों दर्शक इनकी हर एक फिल्म को देखना चाहते हैं, तो वह इनके बेटे फतेह रंधावा इनकी चार फिल्मों को कभी नहीं देखना चाहते। जी हाँ, आपने सही सुना, इनके बेटे फतेह रंधावा इनकी चार फिल्मों को कभी नहीं देखना चाहते। तो आखिरकार कौन सी हैं वो फिल्में और क्या है इनका ना देखने का कारण, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर एक, ईमानदार। इस लिस्ट की पहली कड़ी में फिल्म ईमानदार का नाम शुमार है, जिसमें फरहानाज और संजय दत्त अभिनय करते हुए नजर आए थे और इस मूवी में दिखाई गई कहानी दर्शकों को पसंद आई थी। पर बावजूद इसके फरहानाज के बेटे फतेह रंधावा इस फिल्म को देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि इस मूवी में फरहानाज के ऑन स्क्रीन पिता उनकी खुशियों का गला घोंट देते हैं और इसकी वजह से वो अपनी मम्मी फरहानाज की इस फिल्म को देखना पसंद नहीं करते। नंबर दो, फासले। अब बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर फिल्म फासले के बारे में, जिसमें अभिनेत्री फरहानाज चांदनी का किरदार निभाती नजर आई थी और ये मूवी सुपरहिट भी साबित हुई थी। पर इसके बावजूद इनके बेटे फतेह रंधावा इस मूवी को देखना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह ये है कि इस मूवी में उनकी माँ को थप्पड़ मारा गया है और वो अपनी माँ को थप्पड़ खाते हुए नहीं देख सकती। इसकी वजह से फतेह रंधावा इस मूवी को देखना नहीं चाहते। नंबर तीन, घर घर की कहानी। साल 1988 में रिलीज की गई मूवी घर घर की कहानी तो आप सभी लोगों ने जरूर देखी होगी, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इस मूवी में ऋषि कपूर, जया प्रदा, फरहानाज और गोविंदा अभिनय करते हुए नजर आए थे। पर बावजूद इसके फरहानाज के बेटे फतेह रंधावा इस मूवी को देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि इस मूवी में उनकी मां को बहुत ही उल्टे शब्द बोले गए हैं जो ये सुन नहीं सकते हैं। नंबर चार, मरते दम तक। इस तरह की आखिरी कड़ी में मूवी मरते दम तक का नाम शुमार है, जिसमें अभिनेत्री फरहानाज के साथ कई और स्टार कास्ट भी अभिनय करते हुए नजर आए थे। पर इसके बावजूद इनके बेटे इस मूवी को देखना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। तो आप इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म नहीं देखना चाहते, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।